प्यारे नाजरीन, अभी मुफ्ती सलमान अजहरी कहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़मानत हुई या नहीं हुई, मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है या बाहर है, ये सारी खबरें और ये सारे सवालात मुझसे पूछी जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी कहाँ है, इस केस की सुनवाई कब होनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जाने, मैं हूँ मुफ्ती सोहेल अहमद अशरफी, आपकी खिदमत में इसी तरह इस्लामिक वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले 1 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अजहरी के केस की सुनवाई होनी थी, तो हुई नहीं है। बल्कि जितने भी लोग इस केस से इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इस केस को किए हैं, इस पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी के ख़िलाफ़ जितने भी लोग केस किए हैं, FIR दर्ज किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उन तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि इस केस की सुनवाई होनी है और 14 अक्टूबर को इस केस का फाइनल, इस केस की सुनवाई हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और ये पता लग जाएगा कि ये एक्ट ख़त्म होने वाला है या नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी का केस क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 14 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई है। इस केस की सुनवाई के बाद क्या रिजल्ट सामने आता है, इस चैनल के ज़रिए आपको मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों देखें, आपको मैं बता दूं कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी को ना भूलें, क्योंकि ये दीन के खातिर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। तो इनके सपोर्ट में हमें हमेशा खड़ा रहना है इनके पीछे, और इनके लिए दुआएं करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में 5 वक्त की नमाज़ों में आप इनके लिए दुआएं ज़रूर करें कि इनकी रिहाई हो जाए और इनको दीन का बहुत बड़ा मुबल्लिग बना दें, और हर काम में इसका सपोर्ट आप ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बहुत ही जल्द जमानत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।